आंध्र प्रदेश के सत्यसाई जिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि जगन मोहन रेड्डी ने विकास की गाड़ी को पटरी से उतार दिया है। विकास शून्य है, निवेश स्थिर है और बेरोजगारी अपने चरम पर है। बुनियादी ढांचा परियोजनाएं रुकी हुई हैं, लेकिन भू माफियाओं का उद्योग जोरों पर चल रहा है। संयुक्त आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे तब आंध्र प्रदेश को टॉप पर ले गए थे। आंध्र के विभाजन के बाद भी यहाँ फाउंडेशन डाला, मगर जगन बाबू ने डेवलपमेंट की गाड़ी को पटरी पर से उतार दिया है। डेवलपमेंट जीरो है, इन्वेस्टमेंट स्टॉप है और अनएम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट, और आंध्र प्रदेश पर 13,50,000 करोड़ का कर्ज डालने का काम एक जगन बाबू की सरकार ने किया। इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट रुके हुए हैं और लैंड माफिया की इंडस्ट्री फुल फ्लेज चल रही है।